बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबाना रसोई। तो आज मैं अपनी किचन में बनाने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और बच्चों का फेवरेट चिकन फ्रेंकी। इसे मैं बिल्कुल सिंपल तरीक़ों से बताऊँगी, जिससे कि आप हर रोज़ अपने बच्चों को आसानी से बनाकर टिफ़िन में दे सकते हैं। तो देखें, इसे बनाने के लिए मेरे पास 3 चिकन ब्रेस्ट हैं और पहले इसे स्ट्रिप्स में काट लेंगे और इसे काटने के बाद एक बार फिर से धो लें। और अब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने डाला है 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और नमक लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। और अब इसके अंदर 1/2 नींबू का रस डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और चिकन के अलावा मैंने लिया है बंद गोभी, 1 शिमला मिर्च और हरा धनिया। इन सभी को मैंने चॉप करके रखा हुआ है। और पैन हमारा गरम हो गया है तो इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल और फिर इसके अंदर चिकन डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट तक खोलकर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं चिकन का पानी रिलीज होने लगा है। तो इस टाइम पर कवर करेंगे और इसे पूरा पक जाने तक पका लेंगे। इसे बीच बीच में खोलकर टर्न करते रहेंगे। तो देखिए, माशाल्लाह चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। तो इस टाइम पर जो हमने सैलेड काट कर रखा हुआ है इसे शामिल करेंगे। आप इसके अंदर प्याज और तीनों तरह के कैप्सिकम शामिल कर सकते हैं और 1 टेबल स्पून केचप डालकर इसे अच्छे से मिक्स करें। बट मेरे बच्चे केचप पसंद नहीं करते, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। खैर, सैलेड और केचप डालकर इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई कर लें और फिर इसे साइड में रख दें। और फ्रेंकी बनाने के लिए मैंने गेहूँ का आटा लिया है, आप इसे मैदा में भी बना सकते हैं। तो रोटी को मीडियम बेल लें, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा रखें। और गरम तवे पर डालकर इसे दोनों साइडों से घी लगाकर अच्छे से सेंक लें। और अब इसे एक सर्विंग प्लेट में रखेंगे, ऊपर से आइसबर्ग और पका हुआ चिकन रखकर इसे फोल्ड करें। तो आप इस आसान और हेल्दी रेसिपी को बनाकर अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।